अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने कहा कि थोड़ा सा अपने बचपन की बात करते हैं। बचपन भी बड़ा सुहाना होता है, बड़ा हसीन होता है, बहुत अच्छा होता है। तो मेरा बचपन कुछ थोड़ी पैदा तो मैं हुई लाहौर मिशन हाई स्कूल रंग महल के साथ ही हमारा घर था, और कुछ अच्छा बक्सवारा पैदा तो मैं उधर ही, बल्कि मेरे अब्बा जी भी पैदा मतलब दूसरा घर था मिशन हाई स्कूल के साथ ही, एक कुछ अच्छा बक्सवारा अंदर जाता था मस्जिद के सामने गली थी, उधर हमारा अबाई घर था। लेकिन बाद में कुछ वजूहात की वजह से हम दूसरी गली में मिशन हाई स्कूल की दूसरी गली जो अंदर जा रही थी वो भी कुछ अच्छा बक्सवारा ही कहलाता था, तो उधर हमारे सारे बहन भाइयों की पैदाइश हुई, मेरी भी उधर पैदाइश हुई। और मैं अभी छोटी थी तो फिर हम थोड़े से अरसे के लिए उधर मोनी रोड की तरफ भी हमारे अब्बा जी ने घर लिया, हम वहाँ चले गए क्योंकि हमारे दादाजी फौत हो गए और उसके बाद भाइयों में मतलब सब भाई अलहदा अलहदा हो गए, तो हमने उधर घर बनाया। लेकिन वो चूँकि उस दौर में ये बात है कोई काफ़ी 60 की बात है, तो उस दौर में जो है उधर जाना और रहना बहुत मुश्किल था। हम लोगों के स्कूल इधर सारा कुछ, मेरे भाइयों के वो मिशन स्कूल में पढ़ते थे, मेरे तीन भाई बड़े थे और दो मेरे भाई छोटे थे माशाल्लाह, और मेरी एक बहन थी। तो फिर उसके बाद मेरे अब्बा जी जो है शेरा वाला गेट जो है गली कुंज लाल दी, उसका नाम था गली कुंज लाल दी, और वो शेरा वाले दरवाजे के अंदर हमारा वो उस गली में घर था, और बहुत बड़ा घर था उसका, इतना बड़ा आगे लॉन था कि सारे गली के जितने भी शादी ब्याह होते थे तो उस हमारे लॉन को यूज़ किया जाता था, उस वेड़े वाला घर कहा जाता था उसको, वेड़े वाला घर। तो वहाँ हमने काफ़ी मतलब मेरा ख्याल है 5 साल तो वहाँ गुजारे, और वहाँ मुझे शौर आया मतलब मुझे याद आने लगा कि वहाँ छोटी हम थे तो गलियों में हम जो है खेला करते थे, और उधर मेरे भाई जो थे वो भी खेला करते थे, क्योंकि उस वक्त ऐसा होता था कि गली के बाद थोड़ा सा आगे जाएं तो एक बड़ा सा चौक आ जाता था, मतलब वो घरों के आगे एक बहुत बड़ी सी जगह आ जाती थी जिसमें सब बच्चे खेलते थे, और खुशी के टाइम भी वहाँ शादियों की देगें पक रही हैं और इस तरह शामियाने भी लगते थे, और गमी के टाइम भी वहाँ लोग आके तंबू लगते थे और वहाँ मतलब आके बैठते थे। तो इस तरह का उस वक्त मैंने देखा है कि पुराने लाहौर की जितनी गलियाँ होती थी 12 दरवाज़ों के अंदर, तो उन गलियों में जो है अमूमन ऐसा होता था कि एक थोड़ा सा आगे जाना तो एक चौक आ जाता था, चौक के बाद फिर गलियाँ थी, इस तरह होता था। तो हमारी गली जो थी गली कुंज लाल दी अंदरून शहर शेरांवाला गेट के अंदर जो होती थी, वहाँ हम लोग ने वहाँ रहे कोई मेरा ख्याल है 4-5 साल रहे होंगे, और हमारी अम्मी ने हमें दाखिल भी करवाया फिर चूना मंडी, करीब ही चूना मंडी था शेरांवाले दरवाजे के पास ही, सुबहानहा की लाइन होती थी और उसके साथ साथ आगे जाते थे, तो कश्मीरी गेट और सुबहानहा की लाइन के अंदर एक हमारा प्राइमरी स्कूल होता था जो कि ये गवर्नमेंट कॉरपोरेशन का स्कूल था मेरा ख्याल। तो वहाँ मेरी अम्मी ने हमें दाखिल करवाया दोनों बहनों को, उसका नाम क्या था उस स्कूल का नाम अब मुझे याद नहीं है, क्या नाम था, कशाना नाम था उसका, छोटा कशाना और बड़ा कशाना, और हम छोटी क्योंकि पहली क्लास में दाखिल हुए थे तो हमें छोटे कशाने में दाखिल करवाया गया, और थोड़ा सा आगे जाएं कश्मीरी गेट के साथ ही बड़े कशाना होता था जो कि मैट्रिक तक होता था। तो लेकिन हमने वहाँ मेरा ख्याल है 4th तक 4 क्लासें पढ़ी वहाँ, लेकिन मुझे अभी तक याद है कि एक बड़ा सी बिल्डिंग थी जिसमें वो स्कूल होता था। तो वहाँ हमारी कुछ सहेलियाँ भी थी बचपन की छोटी, लेकिन बड़ा अच्छा टाइम था मुझे याद है अभी तक। और हम फिर घर भी इजीली दोनों बहनें आ जाती थी, तो उसी हमारी गली जो कुंज लाल की थी वहाँ ही एक मतलब घर था जहाँ हम पढ़ने भी जाया करते थे ट्यूशन के लिए, हालांकि उस वक्त कोई रिवाज नहीं था, लेकिन वो टीचरें कुरान पाक भी पढ़ाती थी और साथ बच्चों को छोटे ये जो अलग देते से और तख्ती लिखनी ये सिखाते थे, हम वो पौधे के जो मतलब तख्तियाँ भी लिखी जिन्होंने कलम दवात भी यूज़ की, और यही वजह है कि आज भी हमारा जो है
रस्मुल खत बहुत ज़बरदस्त है। मैं जब लिखती थी और मेरे भाई भी जब लिखते थे, इतनी खूबसूरत राइटिंग होती थी कि हमें गुड 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 जब कॉपियों पे भी हम लिखते थे 6th, 7th, 8th, 9th, 10th में, हमारी राइटिंग आज तक इतनी अच्छी समझी जाती है कि हम बहुत खुश हुआ करते थे। और आज भी मैं लिखती हूँ तो मेरी राइटिंग वाकई मुझे तो खुद अच्छी लगती है, क्योंकि मैं बच्चों की जब देखती हूँ तो बच्चे जो हैं उनकी राइटिंग तो बस कोई समझ नहीं आ रही होती। आजकल इस चीज़ पे जोर नहीं दिया जाता, लेकिन उस टाइम में बहुत जोर दिया जाता था। हमारे टीचर जो होते वो हमारे हाथों पे जो है चोटियाँ मारते थे। उन्होंने, हमारी टीचर थी एक मिशनास के, पता नहीं उनका क्या नाम था, बड़ी प्यारी सी थी, इतने लंबे दराज बाल थे उनके, 5th क्लास की बात है। तो वो हमेशा जब किसी बच्चे की राइटिंग ख़राब होती थी या कुछ सही नहीं लिखा तो वो हमारे हाथों के ऊपर मतलब मारती थी। लेकिन खुशकिस्मती से मैं तो बहुत शौकीन थी लिखने की, और मैं बात कर रही हूँ कि टीचर इस तरह करते थे, हमें अगर नहीं पड़ी मार या कभी कभार पड़ गई, हम भी बचे नहीं हुए। मुझे पता है कि मैथ की जो हमारी टीचर थी, ओ माय गॉड, वो बहुत सख्त थी। ये 7th क्लास की बात है कि मेरी जो है दोस्त नुज़त थी, नुज़त मेरी एक दोस्त थी, एक खुर्शीद थी। खुर्शीद दोस्त जो थी मेरी, वो तो इतनी ज़हीन थी मैथ में कि हम क्या बताएं। लेकिन एक दिन टीचर ने हमें पकड़ लिया और अचानक ही हमें कह दिया कि ये वाला जो है ना, आप लोग मैथ की मतलब टेस्ट दें। और मुझे अभी तक याद है कि हम लोग, मैं तो बहुत नकम्मी थी मैथ में, और मेरी दोस्त जो थी नुज़त, वो भी कोई इतनी शार्प नहीं थी, लेकिन इंग्लिश में मैं काफ़ी शार्प थी कि सबको पता था, मगर मैथ में और उर्दू में मैं बहुत ज़्यादा थी, मगर मैथ में मैं बिल्कुल नहीं थी। तो उन्होंने जो है ना, एक टीचर ने मैं पकड़ लिया, और मैं कहती हूँ हमारी वो दुर्गत बनी, ख़ासकर मेरी दोस्त नुज़त की, बेचारी की मुझे अभी तक याद है वो वाकया। नुज़त, माजरत के साथ, सॉरी मेरी जान। तो मेरी जब बारी आनी थी, मेरे पहले बुरा हाल था, और मेरी बारी आने के टाइम पे वो जो है उस वक्त छुट्टी हो गई और बेल बज गई, और ओ माय गॉड, शुक्र अल्लाह करके हम लोग निकले, अगले दिन बच गए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि अच्छा लगता है कि आपके साथ भी आज हम शेयर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला, मुझे यकीन है और मैं समझती हूँ कि मैं एक पूरी तफसील से इसमें हमारी काफ़ी किस्तें जाएंगी, काफ़ी मेरा प्रोग्राम चलेगा इसमें, जो मैं थोरली आपको बताऊँगी। तो ये तख्तियाँ हम लिखते थे, फिर रोशनाई, उसको स्याही कहते थे, स्याही लेते थे, और फिर इस तरह जो है ना एक सिलसिला चलता रहता था। तो इंशाल्लाह ताला हम अगली किस्त जो है वो फिर डिस्कस करेंगे, और मैं इतना ही आपका टाइम लूँगी, और इसी पे आपको अल्लाह हाफिज़ करती हूँ। अगली किस्त में बाकी बातें होती हैं। बहुत शुक्रिया आपका देखने का।